इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर सियासी घमासान छिड़ गया है। निशाने पर है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय की बातें कश्मीर पर कांग्रेस की सोच और उसके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक कांग्रेस ने ही कश्मीर में अलगाववाद के बीच बोए, साथ ही इस बात का सबूत है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आई थिंक दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी व्हिच हैज सोन द सीड्स ऑफ separatism in Kashmir and which is also facilitating the Pakistan or the Islamabad designs in the valley. And whenever Congress party talks like this, it's a music to the ears of Islamabad and it ends up further perpetuating terrorism, militancy in Jammu and Kashmir. On the other hand, from the political point of view, this also is an indication of the desperation prevailing in the Congress party to try to seek to come back to power at whatever cost it might be, even if it amounts to usurping or questioning the very integrity of Mother India. बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच राष्ट्र विरोधी है और उसका हाथ पाकिस्तान के साथ है। दिग्विजय सिंह का बयान साजिश के टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी ने क्लब हाउस चैट का ऑडियो वायरल जारी किया। इसमें दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर विचार किया जाएगा। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर सोनिया और राहुल गांधी से जवाब भी मांगा। दिग्विजय सिंह जी उन्हें धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओबलाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को, 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना। दोनों के विचार एक जैसे हैं, कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। वन रैंडम स्टेटमेंट, ये किसी एक कांग्रेस के व्यक्ति का पर्सनल विचार हो, निजी विचार हो या व्यक्तिगत विचार हो, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े। जब आप याद करिए, मणिशंकर अय्यर जाते हैं पाकिस्तान और वहां एक साक्षात्कार में, एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं मोदी को हटाना होगा, मोदी को हटाना होगा और हमें लाना होगा। ये मोदी को हटाना होगा और कांग्रेस को लाना होगा, ये गुहार कोई आज से नहीं, जब से मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये गुहार कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता पाकिस्तान से लगा रहे हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये सबके सरगना है आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आपको याद होगा आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ था उसके बाद उन्होंने 25 अगस्त 2019 को एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा करके हिंदुस्तान की सरकार ने एक भारी गलती कर दी है और बहुत बड़े रूप में जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, हजारों लोगों के, एक बाइट में उन्होंने कहा था पार्लियामेंट के बाहर, हजारों लोग हताहत हो गए हैं, मारे गए हैं और इंडिया में, जम्मू कश्मीर में कोई डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है। नतीजा, 25 तारीख को राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं
और 27 तारीख को दो दिन बाद एक डोसियर बना करके एक चिट्ठी लिख करके इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान, इसे यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में डिपॉजिट करते हैं और कहते हैं देखिए ये इंडिया का वक्तव्य है, ये इंडिया के ऑपोजिशन लीडर का वक्तव्य है। ये हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि भारतवर्ष में एक अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी, ये हाफिज सईद ने कहा था, आप सबने दिखाया था, वो वीडियो मौजूद है। ये ऐसे ही हाफिज सईद कांग्रेस पार्टी से प्यार नहीं करता है। और आज मैं एक निवेदन करता हूं, ये कांग्रेस पार्टी अपने नाम को बदले, INC को बदल करके ANC कर दे। ये अपने आप को INC कहती है, आज मैं कहता हूं ये अपने आप को ANC कहे, एंटी नेशनल क्लब हाउस। भारतीय जनता पार्टी इस मंच से आज हम ये डिमांड करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान के एक पत्रकार को जिस प्रकार से मोदी के हटने के बाद भारत कैसा होगा, उसमें हम आर्टिकल 370 को बहाल कर देंगे। इस पर सोनिया गांधी जो कि अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जिनको भविष्य में अध्यक्ष बनाना चाहते हैं शायद कांग्रेस पार्टी, दोनों क्या सोचते हैं, क्या ये कांग्रेस का राय है या नहीं है। हम चाहते हैं इसमें राहुल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करें और इस सच्चाई को देश के सामने रखें। अब आपको सुनाते हैं आखिर क्लब हाउस चैट में क्या कहा गया था, दिग्विजय सिंह ने उसमें क्या बोला जिस पर ऐसा सियासी घमासान छिड़ गया। डेमोक्रेसी वॉज नॉट देयर इन कश्मीर when they revoked आर्टिकल 370। Then insaniyat was not there because they put everyone behind bars, and Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism, because in a Muslim majority state there was a Hindu Raja and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of JNK is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अटैक किया और सोनिया गांधी से जवाब मांगा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस 370 के मामले पर अपना स्टैंड क्लियर करे। आपको बताते हैं कि शिवराज ने आज क्या कहा। मैडम सोनिया गांधी जी को देश के सामने जम्मू कश्मीर और धारा 370 के मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर करना होगा। वो जवाब दें और अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि वे दिग्विजय सिंह के विचारों से पूर्णतः सहमत है। दिग्विजय सिंह के इस क्लब हाउस चैट पर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गर्म है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है। जिस तरीके से 370 इम्पोज किया गया, कर्फ्यू लगा के, एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेलों में डाल के, क्या ये तरीका है कोई कानून बनाने का? कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके 370 को हटाना चाहिए था। और आज अभी भी उन्होंने ये कहा, रिलुक लफ्ज इस्तेमाल किया है, कि जिस तरह कश्मीर स्टेट का स्टेटहुड खत्म किया, वहां पे यूनियन टेरिटरीज बना दी है, उसको रिलुक करेंगे। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि 370 वापस लाया जाएगा। ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ, धारा 370 कयामत की सुबह तक वापस नहीं आएगी। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया। जब धारा 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई, इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए
कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी, ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। ये केवल दिग्विजय सिंह का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की पटकथा है जो दिग्विजय सिंह ने जिसको बोला है। आर्टिकल 370 का मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने भी क्लब हाउस चैट पर अपना बयान दिया है। अपनी टिप्पणी करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ कुछ शर्तों के साथ जुड़ा था और उसमें से एक शर्त थी 370। Well, the question is trust. This state did not merge. It joined the Union of India on certain terms. And one of the terms was Article 370. And there are two already Supreme Court verdicts on this, which clearly state that this is a permanent feature now. And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of people. सीएम केजरीवाल से अब हम जानेंगे कि दिल्ली में कैसा है कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, पूरा प्लान एक छोटे से ब्रेक के बाद होगा आपके सामने। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।